नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है डीसीए सिस्टम हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा 5th वीडियो है डीसीए सिस्टम सीरीज़ का। और अगर आपने मेरे डीसीए सिस्टम सीरीज़ के पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट अपने आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही नॉलेज आप लोग को मिलेगा दोस्तों, तो आप ज़रूर मेरे उन वीडियोस को देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबीबी एसी 800M डीसीएस के बारे में। तो ये हमारा प्रोसेसर यूनिट है, कंट्रोलर यूनिट है, जिसका मॉडल है PM864A दोस्तों, ठीक है। ये हमारा CI854 प्रोफिबस डीपी कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड है दोस्तों, CI853RS232 कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड है दोस्तों। ये हमारा दूसरा कंट्रोलर है दोस्तों, जिसको हम लोग रिडंडेंट करके रखते हैं। मान लीजिए बाई चांस आपका एक कंट्रोलर अगर फेल हो जाता है तो दूसरा कंट्रोलर टेक ओवर कर ले, बट अभी इसमें फॉल्ट इंडिकेशन शो हो रहा है दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से, ठीक है दोस्तों। ये हमारे एक्सटर्नल बैटरी मॉड्यूल है दोस्तों, अगर बाई चांस आपके कंट्रोलर्स की सप्लाई फेल हो जाए तो हमारा ये एक्सटर्नल बैटरी मॉड्यूल हमारे कंट्रोलर की सप्लाई ऑन करके रखते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिलीट नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा इसका सप्लाई अगर चला जाता है तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिलीट हो जाता है, तो फिर से हमको प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ता है दोस्तों इसमें, ठीक है। ये हमारा जो केबल दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कनेक्टेड है, ये रिडंडेंसी के लिए है दोस्तों, ये हमारी पावर सप्लाई के लिए है, ठीक है। और ये जो आपको RJ45 कनेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे डायरेक्ट यहाँ से स्विच में गए हैं दोस्तों, और स्विच से हमारे PC में जो है गए हुए हैं, जो हम लोग PC में हम लोग डेटा को देख सकते हैं और वहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। और आप ये जो केबल देख रहे हैं, ये हमारे प्रोफिबस केबल है दोस्तों, जो हमारे IOS कार्ड से आते हैं दोस्तों, ठीक है। दो आप यहाँ पे देख सकते हैं और दो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपस में भी रिडंडेंट हैं दोस्तों। इसमें एक केबल जो है इसमें गई हुई है और इसमें से एक केबल यहाँ पे आई हुई है, और एक एक केबल हमारे जो है नोड में गई हुई है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं दोस्तों, तो नोड्स का क्या काम होता है, क्या होते हैं नोड्स, इन सभी के बारे में मैं आगे की वीडियो में भी बता दूंगा आप लोगों को। हमारा स्विच है दोस्तों, ईथरनेट स्विच, यहाँ से हमारे PC में ऑपरेटर PC में या इंजीनियरिंग PC में यहाँ से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारी पावर सप्लाई यूनिट लगी हुई है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि DCS में जो भी कार्ड्स होते हैं, इनपुट आउटपुट कार्ड्स, कंट्रोलर्स, वो सारे के सारे 24 वोल्ट DC सप्लाई पे ही वर्क करते हैं दोस्तों। तो जैसा इसमें देख पा रहे हैं, इसका जो इनपुट है, इनपुट सप्लाई वो 230 वोल्ट AC है और आउटपुट सप्लाई 24 वोल्ट DC है दोस्तों। ये दो सप्लाई यूनिट लगी हुई हैं, इसके लिए लगी हुई है, मान लीजिए एक अगर आपकी फेल भी हो जाती है तो दूसरी सप्लाई आपकी चलती रहेगी, आपके प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके कंट्रोलर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये डायोड ओरिंग यूनिट है दोस्तों, आप इसमें इनपुट में देख सकते हैं 24 वोल्ट DC, इन दोनों सप्लाई का आउटपुट यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों, 1, 2, ठीक है। अगर एक फेल हो जाता है दोस्तों तो दूसरा ये टेक ओवर करेगा। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं दूसरे नंबर पैनल पे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे जो कार्ड्स लगे होते हैं IOS कार्ड्स, उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा CI840A है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफिबस DP स्लैब कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये क्या करता है, हमारा कंट्रोलर से हमारे कार्ड्स का कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। तो ये हमारे दो होते हैं, रिडंडेंसी होती है यहाँ पे भी, कि अगर मान लीजिए आपका एक फेल हो जाता है तो दूसरा टेक ओवर कर ले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा प्राइमरी बना हुआ है और ये हमारा ड्यूअल है, तो अगर ये फेल हो जाता है बाई चांस तो ये प्राइमरी बन जाएगा और ये यहाँ पे फॉल्ट इंडिकेशन शो होने लगेगा, लेकिन अभी तो दोनों हेल्दी हैं, ठीक है। और ये हमारे कार्ड्स हैं, IOS कार्ड हैं, आप देख पाएंगे AI810 0 to 20 mA, 0 to 10 volt, और 8 चैनल कार्ड है, ये हमारा एनालॉग इनपुट के लिए है। और आप देख पाएंगे AI830A, ये आपके RTD के लिए है, 8 चैनल, ठीक है। और इसी प्रकार आप देख पाएंगे AO810V2, ये 0 to 20 mA एनालॉग आउटपुट कार्ड है, 8 चैनल। और ये आपका DI810 24 वोल्ट, ये DI इनपुट कार्ड है, डिजिटल इनपुट कार्ड्स है, ठीक है। और ये आपका DO810 24 वोल्ट 16 चैनल, ये आपका DO कार्ड है, डिजिटल आउटपुट, और डिजिटल इनपुट भी आपका 16 चैनल कार्ड है, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। हमारे जो आयोज कार्ड्स का जो सिग्नल आता है फील्ड से, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो सिग्नल आता है वो पैनल के बैक साइड में आता है। तो चलिए मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि सिग्नल फील्ड से कहाँ पे आता है, उसके बाद कैसे कैसे हमारा स्काडा सिस्टम जो हमारा ऑपरेटर पीसी होता है पीसी वहाँ तक कैसे सिग्नल हम लोग देख पाते हैं, वैल्यू कैसे हम लोग देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बैक साइड का पैनल, और यहाँ पे क्या होता है कि जो फील्ड जेबी साइड से जो भी वायर आते हैं जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज टीवी लगी होती है, वो पैनल है ये वाला बैक साइड का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारे यहाँ पे दो यूनिट लगी हुई हैं पावर सप्लाई यूनिट, जो हमारे 230 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे डायोड ओरिंग यूनिट भी लगा हुआ है कि मान लीजिए आपका एक सप्लाई अगर फेल हो जाता है तो कोई इफेक्ट ना हो। तो ये सप्लाई हमारे जो फ्रंट साइड में जो अभी मैं आपको दिखा रहा था हमारे ये आयोज कार्ड उन सप्लाई के लिए है, उनकी सप्लाई के लिए। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट को जो सप्लाई जाती है, ठीक है, जैसे आपका ट्रांसमीटर हो गया 24 वोल्ट, तो ये इस सप्लाई के लिए ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये सप्लाई आता है फील्ड साइड से और ये आपके डीसीएस साइड में जो आपके आयोज लगे हुए हैं वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये N1AI TB01 ये एनालॉग इनपुट के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि N1DI TB01 ये DI के लिए है ये TV, ऐसे ही ये N2DO TB03 ये DO के लिए है, ऐसी AO के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख पाएंगे ये RTD के लिए है यहाँ पे N2 RTD, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे N1 AO TV ये आपका AO के लिए है, एनालॉग आउटपुट के लिए है। तो ये सारे के सारे जो वायर हैं ये आपके जो फ्रंट साइड में जो आपका आयोज कार्ड लगे हुए हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया वहाँ पे कनेक्शन जाते हैं, और जो DO के होते हैं वो आपके रिले में जाते हैं। तो चलिए मैं आपको फ्रंट साइड में लेकर चलता हूँ। तो अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि सिग्नल हमारा फील्ड से और हमारा जो वर्क स्टेशन होता है, इंजीनियरिंग स्टेशन होता है, वहाँ तक सिग्नल कैसे पहुँचता है, वैल्यू हम लोग कैसे वहाँ तक देख पाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पैनल के जो बैक साइड में था वहाँ से जो वायर आए वो हमारे यहाँ पे कार्ड्स में आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी कार्ड्स है जैसे RTD का है तो बैक साइड में वहाँ पे RTD के कनेक्शन यहाँ पर आए, AI AO जो भी है सभी का टैगिंग है, हर एक वायर में टैगिंग होता है जिससे आप, ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, और कंफर्म भी कर सकते हैं कि कौन सा वायर है, कितने नंबर वायर है, कहाँ से आया है, वो सब कुछ डिटेल इसमें लिखी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया और ये हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस है प्रोफिबस कम्युनिकेशन, ये आप दो वायर देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो वायर देख रहे हैं आप ये प्रोफिबस केबल है। और ये क्या होता है, ये हमारे दोनों के दोनों वायर एक यहाँ से और यहाँ से ये दोनों के दोनों कंट्रोलर्स में जाते हैं जिससे कम्युनिकेशन होता है इन सारे कार्ड्स। और दोस्तों ये आपको साइड में जो दिख पा रहे हैं आप, ठीक है, TV 842 ये ऑप्टिकल पोर्ट कम्युनिकेशन है, ये ऑप्टिकल केबल है जो आपकी ये क्लस्टर मॉडम से कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नीचे साइड में ये आपका कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन के लिए जैसे मान लीजिए ये आपके 1 2 3 4 5 कार्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन के लिए जैसा ये CI 840 ये है नहीं यहाँ पे, इससे आपको क्या है कम्युनिकेशन कराना है तो आपको एक क्लस्टर मॉडम की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आप ऑप्टिकल पोर्ट में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल केबल के थ्रू आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे और ये फिर उसके बाद CI 840 से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा आपके प्रोसेसर यूनिट का। तो ये कुछ इस प्रकार का दोस्तों कम्युनिकेशन होता है। अब ये दोनों केबल जो हैं ये आप देखेंगे कि हमारे जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर्स में आई हुई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोफिबस केबल होती है दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है ये पूरा सिस्टम होता है डीसीएस का। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ DO 810 के बारे में। जैसे ये आपका डिजिटल आउटपुट कार्ड है, तो मान लीजिए आप कोई भी मोटर स्टार्ट स्टॉप के लिए या वॉल ऑन ऑफ करने के लिए अगर आप कमांड देते हैं तो ये डायरेक्ट इस कार्ड से फील्ड में नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे आपका
11 नंबर बिट अगर हाई हुआ तो ये आपका रिले में आता है, और वो क्या करता है, रिले पे एनर्जाइज करता है, रिले पे सप्लाई आता है, रिले एनर्जाइज होता है, और रिले के जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे NO NC हो जाता है और NC NO हो जाता है। तो जो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप सप्लाई दे दीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए कॉमन में आपने 24 वोल्ट सप्लाई दिया और उसके बाद NO से आपने 24 वोल्ट सप्लाई निकाला, तो जैसे ही ये पिक होगा तो वो NC हो जाएगा और आपकी सप्लाई चली जाएगी घूमकर वापस, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इसका वर्किंग कैसे होता है देखना है वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि अब हमारे जो इंजीनियरिंग स्टेशन होता है PC, उसका कैसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग ये दोनों चालू हो रखा है, और यहाँ से जो हमारा RJ45 केबल है वो हमारी आती है इन स्विच में, ठीक है, और इन स्विच से हमारे ये PC को, अलग अलग PC को यहाँ से कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, RJ45 या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मैं आगे की जो आने वाली वीडियोज हैं अब मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम लोग चैनल असाइन करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।